आज का दिन कैसा रहेगा ये बताने के बजाय मैं आप लोगों को ये क्यों ना बताऊं कि किस पढ़ाई से अल्लाह ताला के वो कौन सा बाबरकत नाम है जिसको पढ़ने से आपका आज का दिन बेहतरीन रहेगा बात को ग़ौर से सुन लीजिए समझ लीजिए हर स्टार की जैसे पढ़ाई मुख्तलिफ़ होती है इसी तरह महीने के हिसाब से इसी तरह दिन के हिसाब से भी अलदा होती है तो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उसका मकसद ये है कि आप जो आपके आज के स्टार की पढ़ाई है, वो करेंगे तो उसका नतीजा आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा यानी कि इसका ये पढ़ाई तो एक दिन आपने करनी है मगर इसका नतीजा फ़ौरी तौर पर मिलता है दूसरा अल्लाह ताला की ज़ात को रोज़ाना अपने हिसाब से याद करना बार बार अलग अलहदा नामों से याद करना तो वो एक बड़ा बाबरकत चीज़ है बड़ा बाबरकत काम है तो अल्लाह की ज़ात उन नामों के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा आप पर करम करती है तो हर स्टार के मुताबिक आपकी पढ़ाई क्या है वो आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा पढ़ने का तरीका बताने लगा हूँ इसके अंदर दो तरह की पढ़ाई है एक पढ़ाई आपने फजर की नमाज के बाद करनी है अगर एक मिसाल मैंने ये बताया कि या अल्लाह आपने पढ़ना है तो सिर्फ मैंने इतना लिखा है या अल्लाह उसके आगे तादाद नहीं लिखी क्योंकि ये दोनों पढ़ाइयाँ लातादाद होंगी इनको पढ़ने के लिए एक तो आपको याद रखिए कि बावजू होने की ज़रूरत नहीं अल्लाह को किसी भी हालत में आप याद कर सकते हैं तो आपने पढ़ाई फजर के बाद करनी है तस्वी आदतन पकड़नी है तो पकड़ लें वरना कोई ख़ास नहीं तो रबुल्ज़्त की ज़ात को लाता याद करो ताकि वह आपको लाता रिस्क आता फ़रमाए ला तदादाद खुशियाँ आता फ़रमाए आपके सितारे को अरूज मिले आपकी बंदिशें टूटे तो सुबह की पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए और फजर की नमाज़ के बग़ैर ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं हैं तो आपने फजर की दोनों पढ़ाइयाँ देख लेनी है फजर के वक्त आपने कौन सी पढ़ाई करनी है वो भी देख ले उसके बाद दूसरा जो लफ्स होगा ठीक है घर से काम के लिए निकलते वक्त तो आपने ये लफ्स आपने कब पढ़ना है अगर आप घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो फिर काम पर जाने से पहले जब आप तैयार हो रहे होंगे उस वक्त काम की तैयारी के लिए जब आप तैयार होंगे आप उस वक्त ये पढ़ेंगे और फिर पूरे दिन के अंदर वक्फे वक्फे के साथ ये लफजा आप ला तदात पढ़ेंगे तो इन इससे फ़ायदा होगा इसका बेहतरीन हल स्क्रीन शॉट ले लिया करें रोज़ाना वीडियो का तो वो आप ला तदाद पढ़ेंगे वज़ु बगैर वज़ु बस जगह का ध्यान रखना है कि साफ और पाक हो ठीक है तो उसके बाद जो लोग घर के अंदर बैठ कर काम करते हैं उनके लिए कोई कार पाबंदी नहीं है वो उस वक्त से ही पढ़ना शुरू कर देंगे नमाज से फारिग होने के बाद चाहे वो रात को काम करते हैं जैसे ऑनलाइन का काम करने वाले कोई ऐसा काम करते हैं जो घर के अंदर फैक्ट्री या कोई ऐसा तो उन उन्होंने घर से बाहर नहीं जाना तो इसलिए वो लोग जो हैं वो पढ़ाई शुरू करेंगे फजर के बाद दुआ करने के बाद जब उठ जाएंगे तो उसके बाद वो चलते फिरते ये पढ़ते रहेंगे दिन के अंदर एक बार पढ़ें दस बार पढ़ें बीस बार पढ़ें जितना पढ़ेंगे ला का मकसद ये होता है कि जितना पढ़ते जाएंगे उतना अल्लाह की ज़ात कर्म करती जाएगी तो अब आपकी पढ़ाई आप देख लें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह आप सबका हामी और व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक